प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से हर एक को जय मसीह की और आपका स्वागत है हिंदी के ऑनलाइन सर्विस में। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, उनके घर पे खाने को कोई दाना ना था, काफ़ी परेशान थी। उनके पास कोई अनाज नहीं था, कुछ खाने को नहीं था और वो काफ़ी परेशान होकर अपने घर की खिड़की की तरफ मुंह करके और प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर से कहने लगी कि प्रभु आपको पता है आज मेरे पास खाने को एक दाना नहीं है, मेरे घर में कोई अनाज नहीं है, कोई उपाय कर दीजिए, किसी भी तरह से मेरी भूख का बंदोबस्त कर दीजिए। खिड़की के बाहर एक अमीर आदमी खड़े होकर उनकी प्रार्थना को सुन रहा था और मन मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति को परमेश्वर पे कोई भरोसा ना था। उसे खुद की बलबूते पर, अपनी मेहनत पर भरोसा था और वो कभी परमेश्वर के ऊपर आस्था नहीं रखता था। वो मुस्कुराया और वहां से चला गया। अपनी सेक्रेटरी से जाकर कहते हैं कि तुम जाओ, महीने भर का सामान लो। और वो उस बुजुर्ग औरत के पता देकर कहते हैं कि उनके पास जाकर ये सारे सामान देना। और जब पूछे कि ये सामान किसने भेजा है, तो वो एक छोटा सा कागज में लिख देता है कि कहना कि इन्होंने दिया है। वो सेक्रेटरी सारा सामान लेकर वो बुजुर्ग महिला के घर आती है, उनके घर की दरवाजे पर खटखटाती है। बुजुर्ग महिला दरवाजा खोलती है, सामने सुंदर लड़की एक टोकरी सामान लेकर उनके घर के सामने। वो देखकर बहुत खुश हुई कि उनके घर उनके लिए इतना सामान आया। उन्होंने पूछा, बेटा ये इतना सारा सामान मुझे किसने भेजा? तो उस पेपर में उन्होंने लिखकर भेजा था कि शैतान ने भेजा। बुजुर्ग औरत ने अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के ओर दिखाकर कहा, हे प्रभु तू कितना महान है, तू किसी से भी अपने दास की जरूरत को पूरा कर सकता है, शैतान के द्वारा भी तो काम करता है। और वो आदमी दूर खड़ा सुन रहा था और इस औरत के परमेश्वर पे भरोसे को उसने देखा और वो समझा कि कैसे परमेश्वर ने उसके हृदय से बात करके इनके जीवन में आशीष दी। हालेलुया। हमारे जीवन में हम कभी कभी कुछ बातों को देखते हैं कि वो शायद हमारे मन के इच्छा अनुसार नहीं होती है, कभी हमें लगता है कि ये तो उल्टा है, लेकिन परमेश्वर बहुत ही विचित्र रूप से, बहुत ही आश्चर्य तरीके से हमारे लिए उपाय करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर कैसे भी, इनफैक्ट जो इंसान प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, उसके द्वारा भी, उसके हृदय से भी बात करके परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरी की। आज हम और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के पास रखें। जहाँ दरवाज़ा नहीं भी खुला हो, जहाँ रास्ता ना भी हो, जहाँ उजाला ना भी हो, प्रभु वहाँ से हमारे और आपके लिए उपाय करेंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को प्रभु की ओर दिखाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुद को नम्र करें उस महान परमेश्वर के चरणों में जिन्होंने आपको और मुझे बनाया। आइए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और कहें कि प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में रख दिया, प्रभु जी मेरे बोझ आप सब ले लीजिए, प्रभु मेरी चिंताओं को आप ले लीजिए प्रभु जी। और आज पिता परमेश्वर हम अपने आप को हल्का महसूस करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के सामर्थ्य में आज अपने आप को सौंप दें। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु नाम से प्रभु जी हर एक को इस वक्त जो आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में प्रभु हम इकट्ठे हुए आपके लहू में सौंपते हैं। आपको प्रभु जी सारी आदर, सारी महिमा देते हैं। और पिता परमेश्वर हमारी आत्मा, हमारी देह, हमारा मन इस वक्त आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने कब्जे में लीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह से भर दीजिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, नए साल 2021 में आपने हमारा प्रवेश करवाया। ओ प्रभु पूरे जनवरी के महीना प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा, हम धन्यवाद लेकर आए हैं प्रभु आपके चरणों में पिता।
प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने संभाले रखा अपने हाथों से प्रभु, जिस तरह पिता परमेश्वर रखवाला प्रभु जी, हालेलुया, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ अपनी बकरियों को संभालता है प्रभु, उसी तरह आपने हमें संभाले रखा, हमारे पैरों में कंकड़ी नहीं लगने दी ओ प्रभु, हालेलुया, हमें गोद में लिए चले प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर से हमें आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया, एक नए महीना प्रभु जी, फरवरी का महीना हमारे जीवन में आपने जोड़ा प्रभु, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी हम सब आपके चरणों के पास आ पाए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस महामारी के समय प्रभु, इतनी समस्याओं के बीच प्रभु हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, ओ हालेलुया, राजा उपाय करने वाला परमेश्वर, आप अपने वचन की रोटी अपने सामर्थ की जल प्रभु हमारे घर तक हमारे द्वार तक आपने पहुंचा दिया प्रभु, हालेलुया राजा, आपको धन्यवाद कहते हैं पिता, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु, वो बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे को खटखटाकर उसका खाने का सामान पहुंचाए प्रभु, पिता परमेश्वर हमारे घरों के दरवाजे हमारे हृदय के दरवाजे को आप खटखटाते हैं पिता, ताकि हम आपकी आशीषों के टोकरे को ले पाए प्रभु, आज पिता परमेश्वर अगर किसी ने अभी भी अपने हृदय के दरवाजे को बंद कर रखा है प्रभु, आपकी आशीषों से वंचित है प्रभु, आपकी प्रेम से वंचित है, ओ प्यारे पिता परमेश्वर आज सुबह प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया, हर एक की बारे खुल जाए, हर एक कुंडिया खुल जाए, आज सुबह यीशु आपका राज्य हर एक हृदय में हो प्रभु जी, आपका प्रेम पिता परमेश्वर ओ पवित्र श्रोता हर एक जीवन में बह जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, इतने भर दे प्रभु, इतना भर दे प्रभु कि हम जहां से होकर निकले पिता वो स्रोत प्रभु जी दूसरों के जीवन में छलक कर उछल कर प्रभु आपका प्रेम औरों को भिगो पाए, हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह के लिए, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ओ राजा हम विनती करते हैं, अगर आज कोई बीमार है अस्वस्थ है आज परेशान है चिंताओं में लदा है, ओ हालेलुया यीशु राजा शांति का राजकुमार, ओ चंगाई देने वाला यहोवा राफा, उनके विश्वास की सामर्थ से प्रभु आप एक एक जीवन में कार्य कीजिए, अपनी चंगाई दीजिए अपनी शांति दीजिए, ओ प्यारे पिता परमेश्वर उपाय कीजिए प्रभु, अपनी स्वर्ग की झरोखों को खोलकर पिता उनके जीवन में आशीष उंडे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस फरवरी महीने में जितने अपने अपने शादी के सालगिरह को मनाते हैं अपने जन्मदिनों को मनाते हैं, यीशु राजा आपने ये खुशी भरी दिन उनके जीवन में दिया प्रभु जी कि वो अपने परिवार के साथ अपने प्रियजनों के साथ इस आनंद की घड़ी को मना पाए प्रभु, सेलिब्रेट कर पाए प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपकी आनंद आपकी आशीष इनके जीवनों में भर जाए, हालेलुया, ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु स्तुति और महिमा आपको देते हैं, ओ शारुन का गुलाब हमारा एकमात्र प्रिय परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु, ओ राजा हमारे घर में आपकी प्रेम भर जाए प्रभु, ओ प्यारे पिता परमेश्वर जितने इस वक्त आपकी उपस्थिति में है प्रभु उनके जीवन पिता अगर रूख सुखी है प्रभु आपकी लहू की रंग से पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपका प्रेम पिता परमेश्वर भर जाए यीशु, रंग दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन को आपकी प्रेम के रंग से, हाँ पिता परमेश्वर ये दिन आपने बनाया और हर एक के जीवन में आपकी खुशी और आपकी आनंद उंडेल जाए, आज के इस पवित्र दिन को आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु, हमारी आराधना टीम आपके दास जो वचन लिखे आ रहे प्रभु जी हर एक को प्रभु अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए पिता, और जब हम सब मिलकर आराधना में शरीक होते हैं आपके वचन
की रोटी एक साथ मिलकर बांटते हैं, तोड़ते हैं। यीशु आपकी उपस्थिति, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच उतरे। हाँ हालेलुया, यीशु आपकी महिमा हम में से हर एक की जुबानों में हो। प्रभु हर एक घुटना झुके और आपको महिमा दे। सामर्थ्य परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। राजाओं का राजा ये पूरी महिमा पिता आप अपने हाथों में लीजिए। हम सबों को पिता आप अपने इच्छा अनुसार चलाइए। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। आपकी राज्य हम सबके बीच हो पिता। अपनी सामर्थ से भरिए। यीशु नाम से विनती चाहते हैं, ऐसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिलकर उसके नाम को चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें।
हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? और यदि आप सामने होते तो मैं समझता हूँ कि आप सबका उत्तर यही होता है कि हम लोग सभी मजे में हैं। और हमारा विश्वास और हमारा परमेश्वर पर भरोसा यही है कि परमेश्वर ने हम सबको अच्छी तरह से रखा है, और परमेश्वर करे कि हम सब भला, चंगा और अच्छे, आनंदित, प्रभु में मगन, और जहाँ भी रहें अच्छी तरह से रहें। आमेन। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम और आप देखने का प्रयास करेंगे, और वो है पहले सामुएल की पुस्तक उसके 26वें अध्याय और 7 से लेकर के 11 पद। पहले सामुएल की पुस्तक और उसके 26 अध्याय 7 से लेकर के 11 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। उसका बहाला उसके सिराहने भूमि में गड़ा है और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेथता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा कि उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मारा जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिराहने से भाला और पानी को सुराही उठा ले और हम यहां से चले जाएं। परमेश्वर का दास दाऊद, और परमेश्वर ने चुना था शाऊल को। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था कि शाऊल परमेश्वर के अभिषेक में इसराइल का राजा बने। पर क्या हुआ था? पाप के कारण शाऊल काफी दिन तक उस राजा के पद पर नहीं रह सका, जिसके कारण से परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया और दाऊद को अभिषेक किया वहां का राजा होने के लिए, इसराइल का राजा होने के लिए। दाऊद जब इसराइल का राजा हुआ तो शाऊल के अंदर में एक जलन सी पैदा हो गई थी, और शाऊल के अंदर में इतनी ईर्ष्या आ गई थी कि वह दाऊद को मार डालना चाहता था। और इसी पर यह पूरी घटना, इस पूरे अध्याय को, यहां तक कि 25वें अध्याय को भी जब हम और आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानकारी हमें और आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो इसराइलियों के दृष्टिकोण में उसका स्थान काफी ऊंचा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, परमेश्वर ने दाऊद को ठहराया, अभिषेक किया। दाऊद वह था जिसने शत्रुओं को हराया, दाऊद वह था जो सिंहों को लताड़ा, दाऊद वह था जितनी तरह के युद्ध दाऊद के सामने आए दाऊद जीतता गया, जिसके कारण से इसराइलियों की दृष्टि में दाऊद का स्थान बहुत ऊंचा था। उसी तरफ दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इसराइलियों के दृष्टिकोण में, दृष्टि में शाऊल का स्थान दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा था, जिस कारण से दाऊद को बहुत से थपेड़े सहने पड़े, जिस कारण से दाऊद को बहुत सी परेशानियां सहनी पड़ी, जिस कारण से दाऊद हर समय, अधिकतर समय वह भागा भागा रहता था, डर से छिपा हुआ रहता था, डर के कारण भागता रहता था। यह था दाऊद की परेशानी। पर आज थोड़ी देर के लिए हम और आप चिंतन करने का प्रयास करेंगे कुछ बातों को। यदि हम 7 से लेकर के 9 पद को देखें तो अबीशै दाऊद का एक अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी के पास अच्छे मित्र हैं। हम सभी अपने मित्रों से घिरे हुए भी रहते हैं, हमारे शुभचिंतक, हमारे रक्षक, हमारे मित्र, हमारा अपने अजीज, अपना परिवार, ये सभी हमारे इर्द गिर्द
जिनके बीच में हम और आप रहते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र, अभिशय दाऊद का एक अच्छा मित्र था, परंतु दाऊद का अच्छा मित्र एक ऐसा मित्र था, जबकि हम देखते हैं कि दाऊद और अभिशय राजा शाऊल के खेमे में आता है। उस खेमे में, उस जगह में वो देखता है कि शाऊल पड़ा हुआ है और शाऊल इस थक गया था, शायद वहां सो रहा था, पड़ा हुआ था, इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वह दाऊद राजा को ढूंढ रहा था कि किस प्रकार से उसको मार डाले। परंतु जब दाऊद वहां पर प्रवेश करता है तो वह देखता है कि शाऊल आराम कर रहा है और सो रहा है। और जिस समय अभिशय और दाऊद ने देखा कि राजा शाऊल अपने खेमे में सो रहा है, क्या हुआ था जानते हैं कि जब शाऊल ने दाऊद का पीछा किया उसको मार डालने के लिए, दाऊद जंगल जंगल भटकते गया और शाऊल को किसी न किसी खुफिया विभाग से पता चलता रहा कि दाऊद कहाँ जा रहा है, और दाऊद भी जंगल, शाऊल भी दाऊद को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच गया और अपना खेमा डाल लिया। रात हो चुकी थी, शायद वह नींद में था, उसके साथी लोग, उसके सिपाही लोग भी नींद में होंगे और सो रहा था। और उसी समय दाऊद को भी खबर मिलता है कि शाऊल कहाँ है, और शाऊल, दाऊद और अभिशय वहां पर पहुंचते हैं, जबकि देखते हैं कि शाऊल सो रहा है, शाऊल नींद में है। और जब अभिशय ने दाऊद से यही कहा, दाऊद देखो शाऊल के पास भाला है, शाऊल के पास सुराही में पानी है, दाऊद आपका दुश्मन यहीं पर है, परमेश्वर ने दुश्मन को आपके हाथ में कर दिया है, उसको खत्म कर दिया जाए। परंतु दाऊद ने क्या कहा, दाऊद जानता था, दाऊद ने छुटपन में सीखा था, और दाऊद ने यही जवाब दिया। क्या हम पढ़ते हैं दाऊद का जवाब, दाऊद का जवाब यही था जब अभिशय ने कहा कि परमेश्वर तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए मैं उसको मारूं और भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धस जाए। परंतु दाऊद ने क्या कहा अभिशय से, दाऊद ने यही कहा उसे नष्ट मत करो, उसे मत मारो, उसे नाश नहीं करो, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चला करके कौन। दाऊद इतना सज्जन व्यक्ति था कि वह जानता था कि शाऊल का अभिषेक परमेश्वर ने किया है। दाऊद इस बात को जानता था कि शाऊल को भेजने वाला और इसराइल पर राजा ठहराने वाला परमेश्वर है, मेरे भाई मेरे बहन। और इसलिए परमेश्वर के अभिषिक्तों पर, परमेश्वर के अभिषिक्त पर दाऊद अपना हाथ नहीं डालना चाहा कि वह खून का एक ऐसा व्यक्ति, खूनी व्यक्ति ठहरे। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के अभिषिक्त को स्पर्श कर लेने से, छूने से कौन निर्दोष ठहर सकता है। यहोवा के जीवन की शपथ कौन मारेगा, यहोवा ही उसको स्वयं मारेगा, चाहे वह जैसे भी हो यहोवा मारेगा। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद का इतना भरोसा था, दाऊद इतना सज्जन व्यक्ति था, दाऊद इतना समझदार था, परमेश्वर के, परमेश्वर का वचन और व्यवस्था जो उसने सीखी थी उसके अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ था। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे इर्द गिर्द भी काफी लोग होते हैं जो हमें सलाह मशवरा देते हैं,
और कई बार सलाह मशवरा को हमें और आपको बहुत ही सावधानी के साथ जांच लेना चाहिए। बहुत ही सावधानी के साथ हमें और आप जांचने की जरूरत है, क्या वह सलाह मशवरा जो मेरा दोस्त दे रहा है या मेरे परिवार के लोग दे रहे हैं या मेरा माता या मेरा पिता देते हैं, क्या वह सलाह मशवरा जो मुझे मिल रहा है क्या वह परमेश्वर की ओर से है, क्या वह ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार है, क्या वह सटीक है, क्या वह गलत है, हमें और आपको जांचने की जरूरत है। कई बार जब हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो कई हमारे मित्र अपनी तरफ से अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। अय्यूब को हम याद करते हैं, अय्यूब के भी मित्र थे, अच्छी अच्छी सलाह देने वाले, परंतु अय्यूब अपने मित्रों की सुनता कम, परंतु परमेश्वर की सुना उसने ज्यादा। बहुत तरह की बातें अय्यूब के मित्र लोग अय्यूब पर दोषारोप करने लगे, बहुत सी बात है, परंतु अय्यूब ने वही किया जैसा विश्वास और भरोसा उसका परमेश्वर पर था। मेरे भाई मेरे बहन, अच्छे दोस्त वे होते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा परिवार वह होता है जो हमें और आपको अच्छी सलाह देता है, और जो कोई भी सलाह दे, जो कोई भी कुछ बात करे, हमें और आपको जांचना जरूरी है। इसीलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको कि हम और आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम और आप जब परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, तो हम उन्हीं व्यक्तियों के सलाह को अपने हृदय में अपने मन में ले जिन पर हम, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है, जो परमेश्वर की रुचि के अनुसार है। अपनी आंख बंद करके अपने मित्रों के पीछे नंगी पांव नहीं दौड़ जाएं, नहीं तो उनके साथ हम भी गड्ढे में गिरेंगे, नरक के गड्ढे में जाएंगे। सो इसीलिए अच्छा मित्र होना जरूरी है। धन्य है वे जिनके मित्र अच्छे होते हैं, धन्य है वे जिनके मित्र अच्छी सलाह देते हैं। और यह व्यक्ति दाऊद ने इस व्यक्ति की आवाज को, इस व्यक्ति की बातों को नहीं सुना। 9 से लेकर के 11 पद को यदि हम पढ़ें, 9 से लेकर के 11 पद, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर क्योंकि यहोवा की अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपने मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा की अभिषिक्त पर उठाऊं। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वरीय प्रतिफल को स्मरण करना, दाऊद ने ईश्वरीय प्रतिफल को स्मरण किया। दाऊद ने जब परामर्श को सुना अभिषेक से, उसने यही पूछा, यहोवा के अभिषिक्त पर कौन हाथ उठा सकता है। परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है। यदि गीत संगीता, भजन संगीता 105 का 15वां पद पढ़ें, वहां पर साफ साफ परमेश्वर का दास लिखता है, मेरे अभिषिक्त को मत स्पर्श करो, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको अभिषेक दिया है, परमेश्वर उसका मालिक है, परमेश्वर उसका चलाने वाला है, परमेश्वर उसका रचना करने वाला और परमेश्वर उसकी अगुवाई करने वाला है। और यदि वह इंसान परमेश्वर की दृष्टि में गलती करता है, तो परमेश्वर उसका बदला लेने वाला और परमेश्वर उसको शासन करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, यदि परमेश्वर ने उसको चुना है, अभिषेक किया है और वह परमेश्वर के मार्ग में चलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको मत छुओ। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हम अपना काम करते जाएं,
हम अपनी रीति नीति व्यवस्था के अनुसार हम और आप चलते जाएं। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। 22 से लेकर के 25 पद को जब हम पढ़ते हैं, दाऊद जानता था कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है सही करता है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। दाऊद जानता था कि वह परमेश्वर है जो पवित्र करता है। वह परमेश्वर है न सिर्फ मनुष्य को पवित्र करता है परंतु धरती को भी पवित्र करता है। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करता है, जैसा कि व्यवस्था विवरण की किताब और 32 अध्याय के 43 में लिखा हुआ है। और इसलिए दाऊद ये भी जानता था कि कोई भी चीजें परमेश्वर के बदले में अपने हाथ में यदि ले लूं तो इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। और इसीलिए दाऊद ने अभिषेक से कहा, मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा अभिषेक पर। राजा शाऊल के साथ दाऊद का सामना हुआ। क्या हुआ? अभिषेक और दाऊद सामान लेकर के, भाला लेकर के और साथ ही साथ पानी का सुराही लेकर के दोनों चल पड़े। राजा दाऊद ने न सिर्फ अभिषेक से बातचीत की परंतु शाऊल के लोगों से भी, सेनाओं से भी दाऊद ने बात किया था कि तुम लोग कैसे हो जो अपने राजा को देखभाल सही तरीके से नहीं कर सकते हो। वहां पर कोई नहीं है उसकी देखभाल करने। और राजा ने उनको दिखाया कि देखो ये भाला तुम्हारे राजा शाऊल की है। यहां तक कि राजा दाऊद का सामना जब शाऊल से होता है, राजा दाऊद ने शाऊल से यही कहा, परमेश्वर ने शाऊल तुम्हें मेरे हाथ में कर दिया था परंतु मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। शाऊल तुम पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया था, अभिषेक तो पर मैं हाथ नहीं उठाया। और एक चेतना शाऊल के अंदर में जगी और वो चेतना ऐसी जगी कि शाऊल बहुत ही दुखित हुआ। वह शाऊल जो राजा को मारने के लिए जा रहा था, खत्म करने के लिए जाता है, हत्या करने के लिए जा रहा था, उस शाऊल ने दाऊद के सामने परमेश्वर से माफी मांगी। मेरे भाई मेरे बहन, आज संक्षिप्त में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हमारे और आपके बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे होंगे जो गलत शिक्षा, गलत परामर्श हमें और आपको देने के लिए सामने आते हैं। और मैं यही अनुरोध करता हूं, हम और आप उन गलत शिक्षाओं से अलग रहें, उस गलत प्रभावों से अलग रहें। बहुत अच्छे थे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन चारों को बहकाने की काफी कोशिश की गई परंतु वे अपने विश्वास में अडिग रहे। वे अपने भरोसे में, परमेश्वर के भरोसे में अडिग रहे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें और किसी की गलत परामर्श में हम और आप न गिरने वाले बने। परमेश्वर ने हमें और आपको वचन दिया है, जब भी कोई परामर्श देता है, सलाह कोई देते हैं, चाहे वह आपके कितने भी प्यारे जन क्यों न हो, हम और आप ना करने के लिए सीखें यदि वह गलत है। हम और आप ना करने के लिए सीखें यदि वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। हम और आप ना करने के लिए सीखें यदि परमेश्वर के रीति और नीति के अनुसार नहीं है। परमेश्वर हमें और आपको सहायता करे। और इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम विश्वास में मजबूत बने। परमेश्वर साहस देगा। दाऊद वह दाऊद था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। गोलियत को मार के भगाया, गोलियत को
खत्म कर दिया। उसके सामने गोलियत, उसके सामने सिंह, उसके सामने बड़े बड़े दानव, कोई ठहर नहीं पाए। क्यों? उसका भरोसा, उसका सामर्थ्य कोई और नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में रखें। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप उसके वचन को अपने हृदय में रखें, हम प्रभु में दृढ़ बने और परमेश्वर में जब दृढ़ बनते हैं तो परमेश्वर हमें आगे ले चलता है। आइए हम और आप प्रभु के पास जाए, प्रार्थना में सर को झुकाएं, परमेश्वर से कह पाए, परमेश्वर हमें इतनी बल और इतनी शक्ति दिए ताकि हमारे कान में जितनी सलाहें गूंजे उसका हम सही आंकलन कर सकें। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे सुनने वाले भाई बहन हैं प्रभु जी, तो उनकी सहायता कर और परमेश्वर कोई भी गलत परामर्श हमें परमेश्वर से अलग न करे, कोई भी गलत सलाह हमें विश्वास से अलग नहीं करे, पर प्रभु जी हमारे अंदर में वह विश्वास और भरोसा और आस्था दे ताकि हम तुझ में बने रहें। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तू आशीष दे। प्रभु हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहर में तेरी आशीष हो प्रभु, हमारे शहर पर तेरे अनुग्रह हो, हमारे प्रभु जी देश में तेरा अनुग्रह हो। प्यारे प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु जी बहुत कुछ होने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, उन्हीं को प्रभु खड़ा कर प्रभु, जो तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार चुने जाए। महान परमेश्वर, दिन दुनी रात चौगनी इस कलकत्ता की नगरी को और भी आगे बढ़ा और भी उन्नति कर। हमारे जितने अधिकारीगण हैं, जितने मंत्रीगण हैं, उन सबों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी, तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग ऑन साइट मिलेंगे, आराधना होगी हमारे गिरजाघर में 125 पार्क स्ट्रीट में, और हमें खुशी होगी, हम इंतज़ार करेंगे आप सबों का, और उसी दिन प्रभु की मेज में भी हम शामिल होंगे। सो जरूर हम और आप उपस्थित हों। आइए हम अपने अपने स्थान पर गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, दिल में खुशियों को मनाते हुए हम और आप अपने स्थान में बने रहें। आमेन। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु आपके साथ है। निराश न हो, परेशान न हो, यदि किसी भी प्रकार की बातें हैं और परेशानी आती है और प्रार्थना चाहते हैं तो जरूर हमसे आप संपर्क करें। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। सबको धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित किए हैं और जो आशीष आज आपको मिली है आप जाकर दूसरों के साथ बांटें, प्रभु की यही इच्छा है। आपका दशमांश, धन्यवाद रूपी दान जो आप परमेश्वर के चरणों में लाना चाहते हैं, आने वाला रविवार 14 तारीख को हमारा फिजिकल सर्विस, मतलब हम सब पार्क स्ट्रीट में मिलेंगे। इसी दिन प्रभु भोज भी है, हम सब एक साथ प्रभु की मेज में शामिल होंगे। और आप अपना दान, दशमांश इस सप्ताह जो देने के लिए रखे हैं रेडी करके, वो आप अपने साथ 14 तारीख को चर्च लाकर दान की झोली में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में बहुत ही आश्चर्य काम किए हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखें और सबों के साथ अपनी खुशी बांटें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।